इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रेकिंग न्यूज से, जिसमें एक टेडी बेयर के बारे में बताया जा रहा था जिसने दो नौजवान लोगों को मार दिया। और यह न्यूज इस लड़के के घर के टीवी पर आ रही थी। लेकिन लड़का अपने लिए खाना बनाने में बिजी होता है। वो अपने माइक्रोवेव को चालू करता है, फिर फ्रिज से सॉस निकालता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वो सॉस के बोतल को दोबारा से फ्रिज में रखता है, तब उसे फ्रिज में टेडी बेयर दिखाई देता है। उसे समझता नहीं है कि टेडी फ्रिज में कहां से आया, और लड़का सीधा उसे कचरे में डाल देता है। फिर खाना खाते समय वो टेडी बेयर वाले न्यूज को देखता है। जब वो बर्तन साफ कर रहा था, तब वहाँ एक बॉल गिरता है। जब वो उसे उठाने जाता है, तभी वही टेडी बेयर वहाँ दिखाई देता है, जिसे उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। और अब वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुका था, और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे हर्ट मत करना। तभी वो टेडी बेयर हवा में उड़ने लगता है, और लड़का वहाँ से भागकर एक कमरे में छुप गया और अपने दोस्त को कॉल करके अपने घर बुलाता है। तभी उसके कमरे में वो टेडी बेयर आ जाता है, और जब वो कमरे से बाहर निकलता है, तब उसके सामने एक आदमी भूत का मास्क लगाकर खड़ा था।